Субтитры сделал DimaTorzok

Uh, सबसे पहले वुड लाइक टू स्टार्ट विद पहले आप बात करते हैं बेटे इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर सोलर पावर जनरेशन की जहां बात आती है तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोलर पावर जनरेशन में इंडिया आ चुका है जापान को बीट कर दिया है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन या स्कीम के बारे में ये क्या है पेरुल क्या है ड्राई पेरुल क्या होता है और किस तरह से रेलिवेंट है किस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का विल बी टॉकिंग अबाउट दैट नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अफकोर्स इंपॉर्टेंट मुंबई एंड डेली आर फीचरिंग अमंग्स वर्ल्ड्स टॉप फिफ्टी वेल्थियस्ट सिटीज देव सप्राज वॉशिंगटन डी सी एज वेल वेल्थ के मामले में इसकी हम बात करेंगे सेतु हैज हैजनवील्ड सेसमे इंडियाज़ फर्स्ट डोमेन स्पेसिफिक एल एल एम एन बी एफ एस ए सेक्टर इसकी हम बात करेंगे व्लादिमिर पुतिन एक बार फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं फॉर द नेक्स्ट सिक्स इयर्स टर्म तो पिछले लगभग चौबीस साल से रशिया में ही लॉर्ड ऑफ पावर उसकी भी हम लोग बात करेंगे देन विल टॉक अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड हैज पार्टनर्ड कंपनी जिंदल स्टील एंड पार फॉर इंडिजिनस मरीन स्टील सप्लाई जो मरीन स्टील होता है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए उसी के बारे में ये कंटेक्सट है यूज क्रिएट्स हिस्ट्री टू बिकम फर्स्ट इंडियन बोलर टू सरप्रास थ्री फिफ्टी टी ट्वेंटी विकेट्स ये हम बात करेंगे टी ट्वेंटी में साढ़े तीन सौ विकेट्स को सरप्रास करना कितना बड़ा है कीर्तिमान है उसकी यहाँ पर बात की जाएगी देन अमूल की हम लोग जब बात करते हैं बेटे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैटनली भी टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमूल इज नाउ द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका इन द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप देखो अमूल ने यूएसए uh, की टीम साउथ अफ्रीका टीम को भी नो you स्पॉन्सर know, किया उसी तरह से श्रीलंका को स्पॉन्सर किया तो आप ये मान सकते हैं कि ग्लोबल इवेंट है वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है वहाँ पे अगर यहाँ इतने बड़े लेवल पे स्पॉन्सरशिप्स हो रही है दिस इज एक्चुअली ए वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एज वेल क्योंकि अमूल एक इंडियन ग्रोन कंपनी है होम ग्रोन कंपनी है बॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ शंकुल्ला टनल कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर है इसकी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बिफोर इवेंट स्टार्ट वुड लाइक टू टॉक अबाउट

फर्स्ट न्यूज आइटम इंडिया ओवर टूक जपानिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज तो आप ये याद रखेगा कि वर्ल्ड थर्ड लार्जस्ट सोलर पावर जनरेटर की हम जब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एक थिंक एम्बर उसके हिसाब से यहाँ पर हमें यह देखने को मिला है इट हेज शोन दैट द पार शेयर इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टू रिकॉर्ड फाइव पॉइंट फाइव इन टी टी थ्री तो ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सोलर पावर है अब ये ग्लोबली बहुत बड़ा एक फैक्टर बनती जा रही है ये आपको ध्यान में रखना है सो एनी वेज हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया इज विटनेस वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इंक्रीज इन द सोलर जनरेशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है तो यहाँ पे कुछ टॉप कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगी बट वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इंडिया ने एक बहुत बेहतर ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेगा सो अगर आप टॉप की कुछ कंट्रीज़ को मिला लोगे टुगेदर विद यू नो टॉप फो सोलर ग्रोथ कंट्रीज़ सो दे आर फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट द ओवरऑल ग्रोथ तो कुछ ही कंट्रीज़ हैं टॉप की जैसे इंडिया हो गई चाइना यूएस ब्राज़ील जापान इन सब कंट्रीज़ में हमने देखा है कि सोलर की जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है विच एक्चुअली इज़ अ ग्रेट थिंग और हम लोग क्लीन एनर्जी की क्योंकि बात कर रहे हैं सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें आई के जो फोकसेस है उनके ऊपर ध्यान देना है आई क्या कह रहा है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने फोरकास्ट किया है ऐसा उनका मानना है जो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कि सोलर पावर विल कंस्टिट्यूट 22 ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 2030 थर्टी दो हजार तीस में बाईस uh, परसेंट हम लोग देखेंगे इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप ध्यान में रखिएगा और इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज एमिंग टू ट्रिपल रिन्यूएबल कैपेसिटी बाई ट्वेंटी थर्टी जो क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी हम लोग उसको और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो अगर मैं टॉप कंट्रीज की बात करूं सोलर प्रोडक्शन में तो आप देखते हो जैसे चाइना है कोर्स यूएसए है अब इंडिया आ गए जापान के बाद था पहले अब जापान को सरपास कर जर्मनी ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया स्पेन इटली साउथ कोरिया तो इंडिया में तो आप देखोगे इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के हेडक्वाटर्स भी हैं गुरुग्राम में तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए गॉड इट सो so, यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कॉमेंट करके आई थिंक इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू बट इन केस यू यू हैव एनी डाउट केसरली कैन लेट मी नो चलिए मूविंग अहेड आगे हम लोग बेटे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की उत्तराखंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है उसकी बात करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है लाओ पैसे पाओ कैंपेन क्या है लाओ पैसे पाओ कैंपेन ये आप ध्यान में रखेगा सो so, uh, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेस्ट फायर बहुत बढ़ रही है उत्तराखंड में अभी रिसेंटली भी आपने सुना होगा कैसे इंडियन एयरफोर्स ने वो बम्बी बकेट से फॉरेस्ट फायर को बुझाया सो वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट कि पिरुलाओ पैसे पाओ कैंपेन जो है वो कैसे इसके अंदर पॉजिटिव एक रिजल्ट लेकर आएगी उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले ध्यान रखो पिरुल है क्या पिरुल ट्री लीव्स जो होती है ना ड्राई पाइन लीव्स होती है वो होती है। तो अंडर दिस कैंपेन द लोकल यूथ एंड विलेजर्स विल कलेक्ट द ड्राई पेरुल और दे विल टेक देम टू द डेजिग्नेटेड पेरुल कलेक्शन सेंटर होगा पीसीसी होगा वहां पे जो तहसीलदार होगा वो मैनेज करेगा पेरुल कलेक्शन को और उससे क्या होगा पेरुल भी साफ हो जाएगी फॉरेस्ट से और जो लोग भी पेरुल को इकट्ठा करेंगे उनको कुछ पैसे भी दे दिए जाएंगे इंसेंटिव दिया जाएगा तो उससे क्या क्योंकि पेरुल की वजह से क्या होता है पेरुल को आग लगती है तो फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत ज्यादा एनरेज होती है है बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। उसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है यहाँ पे जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना समझ में आया कि नहीं आया सो so, पेरुल लाओ पैसे पाओ क्या है ये आपको समझ आया कि भाई ड्राई पाइन जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है उनको वहां से कलेक्ट किया जाएगा और उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया चीज है तो पेरुल ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी वेड एंड स्टोर्ड एट द कलेक्शन सेंटर पर के जी जो कि अच्छा खासा अमाउंट है और ये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिटर डीबी टी बोलते हैं और कलेक्टेड पेरोल विल पैक प्रोसेस एंड सोल्ड टू द इंडस्ट्रीज तो विन विन सिचुएशन कैसे हुई फॉरेस्ट फायर बुझ गई जिन्होंने कलेक्ट किया उनको पचास रुपये पर के जी मिल गया और वो पेरोल आगे भी बेच देगी सरकार इंडस्ट्रीज को तो सरकार को भी फायदा है और इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है पीरूल की वो भी पूरी हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि विन 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 everyone, तो ये काफी अच्छा है मुंबई दर्ल्ड टॉप फिफ्टी वेल्थ सिटी वॉशिंगटन डीसी को भी सर कर दिया ये आप ध्यान में रखिएगा अगर आप टॉप फिफ्टी सिटीज की बात करते हो तो ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की हम जब बात करते हैं वेल्थ जो है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखा है बेंगलुरू फाइंड इट्सल्फ इन द टॉप टेन मोस्ट प्रामिसिंग सिटीज़ टू वॉच फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पार्टनर्स का ये पूरा का पूरा इंडेक्स था तो इंडिया में दिल्ली और मुंबई ही है इनमें ये आप ध्यान में रखेगा अब ये इंडेक्स क्या कहता है ये मैं आपको बता दूँ एक हरून का भी इंडेक्स आया था कुछ दिन पहले वो भी इसी तरह की बातें बोल रहा था कि इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल सिटी जो मुंबई है इट हैज़ मोर देन फिफ्टी एट थाउजेंड मिलीनियर्स टू थर्टी सिक्स सेंटी एंड तो ये आप देख सकते हैं मुंबई 24th सिटी इन द वर्ल्ड तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग देखते हैं भाई 10 मिलियन कितने लोगों के पास है तो 236 के पास है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आंकड़े जो कि आपको ध्यान में रख हैं क्लियर है सो वुड लाइक टू टेल यू दिस पॉइंट दैट मिलेज का अगर हम बात करते हैं मिलेज की तो एक मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखाना चाहता हूँ इसको ध्यान से देखेगा कैन यू सी दैट न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है देर यू गो इट हैज़ गॉट थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड मिलेनेस गॉड इट द बे एरिया कैलिफोर्निया का भी उसमें थ्री लाख है आप जैसे लंडन की बात करते हैं यूके में इट हैज़ गॉट टू लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मिलेनेस ठीक है तो ये आप ध्यान में रखेंगे जैसे हम डॉलर टर्म्स में बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑफकोर्स चर्चा हो रही है तो लंडन में ही मतलब लंडन अगर आप ध्यान दें दो लाख सत्ताईस हज़ार मिलनेस है और चाइना में जैसे हॉन्गकॉन्ग है बीजिंग है यहाँ पे भी आप देखते हो सिंगापुर में मिलनेस है काफ़ी जापान में तो है ये तो ये एक बेसिक आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि टॉप का मतलब यहाँ पे कौन है उस हिसाब से यहाँ क्लैरिटी आपको मिलती है नेक्स्ट हम लोग बेटे बात करते हैं यहाँ पे सेतु एक लीडिंग यू नो फिनटेक कंपनी है पार्ट ऑफ पाइन लैब्स इट इज में क्या अनवील किया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर यह पहले तो ध्यान में रखेगा दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड तो सेसमे किसके साथ जुड़ा हुआ है वो आपको मैंने बताया इट बीन डेवलप्ड इन कलेबोरेशन विद इंडिजिनियस ए आई रिसर्च फॉर्म जो सर्वम ए आई है द कंपनी सेट दैट दिस मार्क्स अ चैट जी पी टी मोमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जैसे चैट जी पी टी नॉमली हम यूज करते हैं फाइनेंशियल सर्विसज के अंदर ये वही एक काम कर सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वुड लाइक टू यू नो पॉइंट आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेसमे लेवरेजेज वॉट सेसमे लेवरेज करती है रिच डेटा इकोसिस्टम इनेबल बाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू

यहाँ पे क्योंकि एल एल एम ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल है तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं बाई कम्बाइनिंग एल एल एम विद डिलीवरी मॉडल सेतु एंड सर्वम जो है ए आई देव क्रिएटेड सोल्यूशन इन बोथ डोमेन एंड रीजन स्पेसिफिक और हम लोग क्या देखेंगे कि लोगों तक पहुंचाने में बी एफ एस आईज है वो बहुत बड़ा यहाँ पे काम करने वाली है कंज्यूमर स्पेसिफिक होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट आगे हम लोग बात करते हैं बेटे व्लादिमिर पुतिन की व्लादिमिर पुतिन एक बार फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं छः साल की टर्म के लिए तैयार है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखें रशिया के अंदर ही हैज बीन अ पावरफुल पर्सन सिंस लॉन्ग टाइम 2000 से 2008 तक ही वाज द प्रेसिडेंट ये इनकी फर्स्ट और सेकेंड टर्म थी उसके बाद दिमित्री मेदवेदीव चाहे बने दो से दो तक लेकिन इस समय भी पुतिन जो था ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर और फिर 2012 हज़ार बारह में मदीव के बाद पुतिन अगेन 12 साल से क्या है ही इज द प्रेसिडेंट मेरे कहने का मतलब है कि 2000 से अभी तक मतलब पिछले 24 साल में ही हैज़ हेल्ड गुड पावर इन हिज हैंड्स ये आप ध्यान में यहां पे रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट सो मतलब बोरिस येल्स्टन के बाद अगर मैं बात करूं तो व्लादिमिर पुतिन ही है जो रशिया की बागडोर को अपने हाथ में लिए हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए तो

इनका जो पूरा एग्जेक्टिव है यहीं पे बैठते हैं ये ध्यान मतलब 2030 तक 2030 तक ये यहाँ पे पावर में रहने वाले आगे बढ़ते हैं वुड लाइक टू टॉक फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड जिन्होंने किसके साथ पार्टनर किया है बेटे जनरल स्टील के साथ फॉर मेड इन इंडिया मतलब इंडिजिनस मरीन स्टील सप्लाई कि भाई मरीन स्टील जो है वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए दिस इज द पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है तो मरीन स्टील सप्लाई जो है ये मेरी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने शिप्स बनाते हैं पेट्रोल बोट्स बनाते हैं तो उसके पर्पज से ही ये किया गया है आप याद रखेगा और कैसे जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं वो मिलके काम कर सकते हैं इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, ये आप ध्यान में रखेगा क्योंकि शिप बिल्डिंग ज़रूरी है कोस्ट गार्ड के लिए भी तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा रहा है नेक्स्ट एक्सपोर्ट जगत से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट युजविंद चाहल जो है ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाई बिकमिंग फर्स्ट इंडियन बोलर टू सर पास थ्री फिफ्टी टी ट्वेंटी विकेट्स टी ट्वेंटी में अभी आई पी एल आपको पता है, चल रहा होगा मतलब चल रहा है तो उसके अंदर ही इन्होंने ये किया है कि टी ट्वेंटी मतलब तीन सौ पचास टी ट्वेंटी विकेट्स का जो आंकड़ा है उसको सर पास किया है विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्रिकेट जगत से ही एक और न्यूज़ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा अमूल है ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका फॉर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ध्यान में रखेगा तो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंकन टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया अभी आपको पता होगा यूएसए को भी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका भी कर रहे हैं तो इस समय आई वुड से कि अमूल जो है वो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को भी एनहेंस करना चाह रहा है एंड दैट अगेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो यहां पर ये यह पता चल रहा है कि इनकी इंटरनेशनल प्रोमिनेंस कितनी बढ़ गई है इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है सो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है यूएसए वेस्ट इंडीज में हो रहा है उसके पर्पज से ही ये चीज यहां पर की जा रही है ये आप ध्यान में रखेगा

यहाँ पे इस मैप को देखिएगा ध्यान से आई एल सर्टली गो ऑफ द स्क्रीन फॉर सम टाइम ये देखो बेटर ना वन यू लुक एट दिस मैप वट यू ऑब्जर्व यहाँ पे मनाली से आप जाते हो दारचा फिर शंकुला होकर आप जाते हो लद्दाख तो ये हिमाचल प्रदेश है ये लद्दाख है इनकी कनेक्टिविटी एनहेंस होगी कि नहीं आप देखो जैसे आप मनाली से इधर से दारचा शंकुला होके पदम निम्बू लेल इसको बोलते हैं तो पदम निम्बू लेह मतलब पूरी जो रोड है बहुत शानदार तो शंकुला

इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ पार्टनर किया है फॉर मेड इन इंडिया स्टील सप्लाई इट इज जिंदल स्टील एंड तो जिंदल स्टील के साथ इन्होंने किया अब ये तो चलो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है बट हाँ जस्ट फॉर द रिविजन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज पॉइंट दे आर इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्पोर्ट्स की भी कुछ बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट टू टेक एंड क्रिएट अ हिस्ट्री इट इज यूजी चाह नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन से जो हमारा इंडियन डायरी जाइंट है अमूल कौन से टीम को स्पॉन्सर कर रहा है इट इज ऑफकोर्स श्रीलंका श्री लंका इज द राइट आंसर हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका सो so, बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारा जो रिवाइज भी किया है मतलब हर चीज़ को हमने देखा है बढ़िया से एंड उम्मीद यही है कि आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो समझ आए होंगे दिस इज ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वीव अ प्रॉपर क्लैरिटी इन प्लेस हर चीज को लेकर एक बहुत प्रॉपर क्लैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान में रखिएगा समझ आया इतना मतलब कोई भी अगर आपको चीज ऐसे लगती है कि सर समझ में नहीं आई है यू शोली कैन लेट मी नो जी क्लियर हो गया सो एनी वेज जस्ट फॉर द समर जमराइज़ वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनोसोलोर पार इंडिया में अच्छी चल रही है पीर उल्लाओ पैसे पाओ स्कीम की बात की हमने मुंबई दिल्ली की बात की कैसे वेल सिटीज़ की बात करते हैं सेसमे की हमने बात की है आ, देन वे टॉक बालादी पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं जिदुल सील ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है मरीन स्टील सप्लाई के लिए जो कि मेड इन इंडिया होगी यूजी चाल ने थ्री विकेट्स पूरी की पहली बार भारतीय बॉलर ने किया है टी में आमुर स्पॉन्सर करें श्रीलंका को भी और बी आर ओ ने शंकुला टनल की जो कंस्ट्रक्शन उसको स्टार्ट किया बेटर कनेक्टिविटी के लिए ये सब चीज़ें हमने बात की हैं सो मेक श्योर आप जुड़े रहें और बेहतर क्लैरिटी के लिए रेगुलर बेसिस पे ऑन टॉप ऑफ दैट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट डू डाउनलोड द बाई ऐप और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एंड जो कि आपके सामने दिए मान एडबल जीरो टू फाइव सेवन टू नाइन सिक्स वन इज द नंबर एंड आई रियली होप यू हैव गॉट अ गुड लेवल ऑफ क्लैरिटी डू शेयर विद योर फ्रेंड्स डू लाइक द सेशन डू कॉमेंट एंड नो सेशन कैसा लगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर जरूर करिएगा